Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. 3 धमाकेदार रिलीजेस के बाद अब ये है SRK की आगे की प्लान. अपने लेटेस्ट मूवी डंकी को प्रमोट करते हुए SRK ने अपने 4 साल के ब्रेक के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनका प्लान था कि सिर्फ 6 से 8 महीने ब्रेक लेंगे, लेकिन फिर लॉकडाउन के चलते वो ब्रेक 4 साल एक्सटेंड हो गया. SRK ने बताया कि उन्होंने उस ब्रेक के दौरान काफी फिल्म्स देखी. कुछ ऐसे फिल्म्स थी जो मुझे पसंद आई पर ऑडियंस को नहीं, एंड तब मैंने सोचा कि क्या मैं इस जॉनर में काम करके ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज कर पाऊंगा. फाइनली इस साल 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज के साथ कमबैक किया है SRK ने और कहा ये साल बहुत बेहतरीन रहा है उनके लिए और वो इस अमेजिंग साल को डंकी जैसी अमेजिंग फिल्म के साथ एंड कर रहे हैं. आगे की प्लान्स के बारे में बताते हुए शाहरुख ने कहा इस साल मैंने फैंस को इतना एंटरटेन कर दिया है कि अगर मैं अब 1-2 साल ब्रेक पर चला जाऊँ तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी. सेंट्रिक रोल्स प्ले करने पर ये है SRK का कहना. अपने पिछले 2 फिल्म्स डंकी एंड जवान में शाहरुख ओल्ड कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आए और इसी के बारे में बात करते हुए कल उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया I am 58 now और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 8 सेंट्रिक रोल्स करने चाहिए एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन अ फिल्म ऑफ कोर्स 100%. जब हम जवान जैसी बड़ी कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर असली नहीं है, वो एक ओवर द टॉप ओल्ड पर्सन है, बट इस फिल्म में ये बहुत रियल है. I would say I have been age honest for the first time in Donkey. It's more close to my age. Toot ki latest news aur updates sabse pehle sunne ke liye hamare channel ko subscribe kare.